अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में आवां तां जो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम में एक चंदे साल जो पहिरियों हफ़्तो शुरू थी चुको आहे, नए साल जो आगाज़ थी चुको आहे। इन नए साल जे इन प्रोग्राम में असां तव्हांखे पर डे मामलनि ते कुझु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर डे मामलनि में ख़ासि तौर ते फ़लस्तीन जो हिन वक़्तु जेको इशू आहे, तमामु अलार्मिंग क़िस्म जो, अफ़सोसनाक क़िस्म जी हुते सूरतयाल आहे। इज़राइल जी बम्बारी ऐं हुतां जे हथियारनि जे इस्तेमाल जे करे फ़लस्तीन ॿार शहीद थी रहिया आहिनि, फ़लस्तीन जा माण्हू शहीद थी रहिया आहिनि। हिन वक़्तु बि मलबे में सूरतयाल ॾिसजे त मलबनि जे हेठि बि लाशूं मौजूदु आहिनि। आलमी बिरादरी पंहिंजो मौक़िफ़ कहिड़ो इख़्तियार करे रही आहे? OIC जो इजलास थियो आहे, OIC जे इजलास ते फ़लस्तीन जी आवाम काफ़ी मायूस आहे। इन सॼी सूरतयाल ते अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं अॼु असां सां गॾु महिमान जेकी शख़्सियत मौजूदु आहिनि, पाण हमास जा तर्जुमान आहिनि, डॉक्टर खालिद अल कदूमी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्तु दिया। सर, जैसे कि हम बात करेंगे, क्योंकि साल का आगाज़ हो चुका है, साल 2024 का, और पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में। फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, उसमें हमें नज़र ये आ रहा है कि OIC की जानिब से भी इजलास तलब किया गया, अक़वामे मुत्तहिदा में तकरीबन हर हफ्ते में एक दो इजलास हो रहे हैं। क्या इन इजलासों का कोई फवायद या फ़ायदा आवाम को हो रहा है फ़लस्तीन की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा है अभी 7 अक्टूबर का, कि ये जो अक़वामे मुत्तहिदा है और इंटरनेशनल एजेंसियों ने असली चेहरा इसराइल का, जो हम 75 साल से दुनिया को पुकार रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, और वो साकित है मुनाफ़क़त से, आज असली चेहरा है कि हमारा के सामने आया हुआ है, अब आप नहीं छुपा सकते। दूसरा फायदा है कि अभी इसराइल पॉलिटिकल सतह पे आइसोलेटेड है, अमेरिका समेत पूरे दुनिया कुछ और कह रहे हैं, और ये बाइडेन साहब और ये नेतन्याहू जो है कुछ और कह रहे हैं। तीसरी बात, आज अवाम इन वकाया की वजह से, इन सानह की वजह से, कि वो होश में आया हुआ है कि ये कुछ हो रहे हैं उधर है। तो इसीलिए कि आपने देखा ये जो मिलियन मार्च वगैरह जो है ना, वो क्यों फायदा है ये इन अक्वाम मुत्तहिदा का, अगर वो चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि 153 मुल्क, जब इन्होंने कहा कि जी जंग को रोकना, कि ये जंग ना रोके, इनको अपने आप से पूछना है कि हैसियत जो कानून के मुताबिक और ये अक्वाम मुत्तहिदा के मंशूर जो इन्होंने बनाया कि मेन हदफ है कि जी दुनिया को पुरअमन करना है, वो हदफ कहाँ है? लेकिन अमन तो कायम नहीं हुआ ना, एक खत्ते के अंदर इतने महीने हो चुके, इतनी हलाकतें, इतनी शहादतें हो चुकी, हॉस्पिटल्स पे ऊपर हमले हो रहे हैं, तो वो चीज ना होना तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की नाकामी है या उनकी नाकामी है जो इंसाफ के लम्बरदार कहलाते हैं? ऑफ कोर्स कि ये कौम तहदा की नाकामी है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जी आपने कुछ कहा तो कुछ और किया। आप चाह रहे हैं कि जी अमन को लाना है और इसराइल को मजबूरी क्या है? अक़वामे मुत्तहिदा को मजबूरी नहीं, अमरीका का वीटो है। मजबूरी किस बात पे है? इसराइल का क्या हैसियत है? ये फिर नेशनल हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी है। ये जब 7 अक्टूबर के बाद एक मुश्तरका तौर पे एक बयानिया जारी करने वाले हैं फ्रांस, जर्मन, लंदन और बरतानिया और अमेरिका, कि ये हमारा बच्चों के खिलाफ जंग लड़ना है, जिसको कहते हैं कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का, वो मतलब टेररिज्म है कौन? इसराइल है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, बरतानिया, यही असली मुजरिम है। तो अक़वामे मुत्तहिदा का हाल ऐसे लग रहा है नेशन ऑफ लीग जैसा हाल लग रहा है? नेशन ऑफ लीग की तरह ही है कि जी वो भी मतलब इसका हैसियत नहीं। आज ये इसराइल की सफीर, वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन से ये मुतालबा कर रहा है कि जी आप इस्तीफा दे, कि जी आप अपने हद से बढ़ के बात करें, यानी क्योंकि जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन ने यह मुतालबा किया आर्टिकल 99 को नाफिज करना, यानी सिक्योरिटी काउंसिल का पावर यूज करके जंग को रोकने से, तो ही वो गुस्ताखी आया हुआ। ये रूट डिप्लोमेट है इजरायली का, जो इन्होंने ये तलख बात की है कि आप इमेजिन कीजिए, और कोई उसको रोकने वाले नहीं है। इसराइल एक रोग स्टेट है जो अक़वामे मुत्तहिदा कानून के खिलाफ जा रहे हैं, और इसके बावजूद है यूनाइटेड नेशन में मेंबर है। ये इसका ये साफ जाहिर है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की नाकामी है, जो जंग वर्ल्ड वॉर के बाद बनी हुए हैं कि दुनिया को अमन अमान
हासिल करने के हदफ में वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन खाल साहब वो जो पड़ोस के ममालिक हैं ना, आप जो फलस्तीन के पड़ोस के इस्लामिक ममालिक हैं, अवाम यहाँ की जो अवाम है पाकिस्तान की अवाम कभी कभी सोचती है कि पड़ोस में अगर कुछ खुदा न खासा अफगानिस्तान में यहाँ पे हो रहा था हम खेस गाली के तौर पर बुला लेते हैं, अगर खुदा न खासा ईरान में कुछ होगा तो हम ताउन करेंगे और यहाँ कुछ होगा तो ईरान ताउन करेगा, तो वो फलस्तीन के पड़ोस के ममालिक का क्या किरदार है? अवाम आपकी तरह ही है, उन ममालिक का है, उनका दिल के तरफ रहा है, लेकिन अवाम का तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो आपका जो ह्यूमैनिटेरियन एड है और ये सारे जिस तरह आपने पहुंचा दिया रफागेत में, उन्होंने भी पहुंचाया एनजीओ के थ्रू से वगैरह वगैरह, वो लेकिन वो जो जो रिजीम्स हैं कि कुछ अच्छे हैं, कुछ हमारा साथ भी देते हैं, लेकिन अभी जो है ना मुझे ये ना कहे कि जी इसको क्रिटिसाइज करें, आप ये कहें कि अपना आपसे सवाल पूछें उन लोगों ने, उन दो उन गवर्नमेंट्स ने, उन उन मुल्कों ने अपने आप से पूछे कि ये रफा गेट को क्यों नहीं खोल सके। ये एक वाहिद क्रॉसिंग गेट है जो गजा और मिस्र के दरमियान में, वो मार्स के में नहीं है, चांद के ऊपर तो नहीं बना हुआ, ये रफा गेट तो है। मिस्र ने क्यों नहीं किया इसमें? तो मिस्र का तो जो है ना वही कह रहा है कि इसराइल उसको बमबारी करे। अच्छा, मिस्र इस पे थ्रेट की वजह से खामोश, थ्रेट की वजह से खामोश है कि वो मतलब थ्रेट जायज है कि नेतन्याहू का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जायज नहीं है इस लिहाज से कि मिस्र अकेला नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी मिस्र की भी बनती है ना कि तो वो मेरे कहने के मतलब मिस्र अकेला नहीं होना चाहिए। अच्छा, मिस्र की सपोर्ट करनी चाहिए तमाम जी बिल्कुल डिप्लोमेटिक तौर पे है कि इतनी इस्लामिक ममालिक मौजूद हैं, अगर सारी फोर्सेस इकट्ठी होकर कुछ करें तो क्यों नहीं कर सकती? कर सकती वो है। तो सिक्स डेज वॉर सिक्स डेज का भी नहीं लगेगा कि जी मतलब कि इसराइल खत्म होना। अच्छा, इसका एग्जांपल है, माजी में मैंने सुना है एग्जांपल है कि तमाम इस्लामिक ममालिक 73 का जब किंग फैसल ने तेल को बंद करने की धमकी दी है तो सब कुछ ठीक हो गया। तो वो कितने दिनों में हुआ था? जब एक लम्हा में हुआ। अच्छा, तो वो अब भी हो सकता है, वो इसराइल छोड़ रहे, इसराइल के बानी है जो अमेरिका और ब्रिटानिया है वो रियाद पहुंच चुका है जब वो धमके दिए। अच्छा, इस तरह का रिएक्शन आए तो हो सकता है। और क्यों नहीं, हम क्यों तेल बंद नहीं कर सकते? 10 दिन है फलस्तीनी बच्चों की खातर, मैं नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए, 10 दिन सिर्फ फलस्तीनी मासूम बच्चों की खातर और ये जंग खत्म। 10 दिन के लिए सिर्फ तेल बंद कर दिया जाए तो वो घुटने टेक देगा इसराइल। अच्छा डॉक्टर खान साहब, एक ये इसराइल और अमेरिका इकोनॉमी और अमन के सिक्योरिटी के जबान समझते हैं, सिक्योरिटी तो हम संभाल रहे हैं, उधर इसराइल को मार रहे हैं, आप तो इसका इकोनॉमी को तो कुछ करें, इकोनॉमी को कह रहे हैं रिलीफ एक्टिविटीज को बहाल, रिलीफ एक्टिविटी और नहीं, इसराइल को बायकॉट किया जाए, इसराइल को दबाया जाए, इसराइल को मुहासरा किया जाए इकोनॉमी तौर पर। अब हम जो कार्रवाई कर रहे हैं जमीन पे है, इसराइल का $2.5 बिलियन हर हफ्ता का खर्चा है जंग का। अच्छा। असलहा का जो मासूम बच्चों के ऊपर के फेंक रहे हैं $2.5 बिलियन हर हफ्ते का। अब ये इकोनॉमी का जो है ना अगर और मजीद आइसोलेशन हो जाएगा, तेल बंद हो जाए, बायकॉट हो जाए, तो ये इसराइल खत्म। नाज़रीन वक्त का ब्रेक, ब्रेक हम गालबो इस सिलसिले के जारी रखना। वेलकम बैक नाज़रीन, नाज़रीन डॉक्टर खालिद अल कदूमी अगर मौजूद है गालबो जिस। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम बात की जो आपने कहा कि सिक्योरिटी हमास देख रही है वहाँ पे तमाम जमीनी जो सूरत हाल बेहतर, इस सवाल ये है कि जो इतने फलस्तीनी शहीद हो गए उसके जवाब में हमास ने इसराइल को किस तरह का जवाब दिया? क्योंकि जो खबरें आती हैं वो हम ये ज्यादा सुनते हैं कि बच्चे ज्यादा शहीद हुए, लोग शहीद हुए, हमें ये खबरें बहुत कम मिलने को मिलती है कि इसराइल को इतना हमला हुआ और इतने हलाकते हुए। इसका दो वजूहत है कि एक तो जो इसराइल का मीडिया पॉलिसी है बाय लॉ कि ये किसी को बोलना नहीं देते, इवन का ये जो खवातीन है कि हमास के कब्जे में थे इसराइली खवातीन के जो सीनियर के थे ना वो रिहा भी हो गए थे, स्टेटमेंट दी कि जी स्टेटमेंट के कि इनके सलूक है इस्लाम के मुताबिक, इंसानियत के मुताबिक, और इनके दिल भी नहीं चाह रहा कि उनको छोड़ के जाना है क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग थे। दूसरे दिन के इसराइल इनको बंद कर दिया कि ना बोलना, उसी तरह के तरीके से आपको उधर जाने की इजाजत भी नहीं देंगे, आपको वीजा भी नहीं देंगे गजा जाने के लिए, और उसी तरीके से कि जिस इंटरनेशनल कॉरेस्पोंडेंट को जिसने जाना है कि वहाँ के कीबोर्ड्स में और इसराइल के असली पोजीशन को बताना तेल अवीव में और कीबोर्ड्स में, वो किसी को नहीं जाना देते कि वहाँ दिखाने का, और जिसको दिखा लेके जाते हैं बस में लेके जाते हैं कि जी आप फलाना जगह पे पहुंचना और फलाना जगह पे वापस जाना है और वापस आना। लेकिन इसके बावजूद
हॉस्पिटल का तो वो बता रहे थे, इसराइली हॉस्पिटल, इसराइली का जो एनजीओज है ए, 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 वो बता रहते हैं कि कम से कम 4,500 इसराइली हलाकत में हो। अब ये 4,500 इनका जरब तीन कर ले, क्योंकि वो असल असल बात तो नहीं बताते, ठीक है। और मोस्टली के इनके सोल्जर्स मारे गए, यानी वो खुद अपने जबान से 27 अक्टूबर से वो एतराफ कर रहे हैं कि 464 इसराइली सोल्जर्स हलाकत में है। अच्छा, हाँ, तो ये अगर आप बैलेंस देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर से पहले हमारे के जो अवाम है बेचारे कि वो हर किल्लत की वजह से, पानी ना होने की वजह से, और वैसे ये जो साम्राज्यों के पॉलिसी वेस्ट बैंक में है, गजा में नहीं, वेस्ट बैंक में, वो बैलेंस जो लॉसेस होता है ना वो हर इसराइली सोल्जर के सामने है। 300 या 150 से लेकर 300 फिलिस्तीनी शहीद होते थे तूफान लगसा के बगैर। अभी ये बैलेंस है 1:5। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा तब्दीली आते हैं। ये तो इसलिए अमेरिका आ गया कि इसराइल को बचाने के लिए, हमारे बच्चों को बचाने के लिए तो रहा आया हुआ है। अच्छा खान साहब, वो एक कैदियों का जिक्र किया, जो खवातीन का जिक्र किया, जो कैदी कैद में थे हमास के, तो ये जो इसराइल बमबारी कर रहे हैं तो वो कैदी भी कुछ हलाकते हुई हैं। तकरीबन 70 इसराइली और गैर इसराइली है कि वो बेचारे वो फोर्ट हो गए थे कि इनकी बमबारी से, हाँ, गजा के अंदर थे ना जो हमारा कैद में थे आपके, जो कैद में थे, कि वो तो एक्चुअली रैंडम फायरिंग है ना, कारपेट फायर करते हैं, तो वो उनमें से कोई भी फोर्ट हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसराइल को पहुंची कि आपकी फायरिंग से आपके ही बंदे, सबको बताया है कि हमने भी बताया कि दुनिया को भी बताया, वार्निंग भी दिया है कि जी इनके जिंदगी का जो जिम्मेदारी है कि ये इसराइल को, इसराइल का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे ये पूछो, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम कभी कभी सोचती है कि ऑपरेशन अक्सा शुरू किया गया और उसके बाद फिर उसको ठीक ठाक इसराइल को घुटने टेकने पे मजबूर किया, लेकिन फिर उसके बाद जो इसराइल ने फिर बमबारी शुरू की हॉस्पिटल्स को, क्योंकि इसराइल को तो रोकने वाला कोई नहीं ना, अमेरिका भी नहीं रोक रहा, इस्लामिक ममालिक भी अभी तक फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, तो आप नहीं समझते कि हमास ने पहले इन सारे ममालिक को, इस्लामिक ममालिक को इत्माद में लेते फिर करते, क्योंकि उसके बाद रिएक्शन में अब जानी नुकसान जो बच्चों का होता है। साहब मैंने आइए ही अर्ज किया था आपसे, आया 7 अक्टूबर से पहले ये रवैया थी कि जी मतलब हम हांगकांग में रह रहे हैं या सिंगापुर में रह रहे हैं और जाकर हम अपने बच्चों को शहीद करवा रहे हैं। 75 साल से यही इसराइल ने 1948 में 600 विलेजेस नक्शा से उड़ा दिया। ग्राउंड पे इसराइल यूज करते हैं कि भाई हमारे पे हमला हुआ, वो ये नहीं बता रहे कि हम इनके ऊपर, वो तो इनके कहना वो तो दुश्मन है। मुझे अजीब होता जब हम कहे कि देखिए आप सबसे बड़ा जुर्म दुनिया में है क्या है कि ये फ्रीडम के खिलाफ काम करना है, ऑक्यूपेशन वो सबसे बड़ा जुर्म है दुनिया में, तो इसीलिए कि फिलिस्तीनी कहते हो ना अभी ऑक्यूपेशन के अंदर है कि गजा वेस्ट बैंक के अंदर ऑक्यूपेशन, कौम मुत्तहिदा बता रही है ये कि पूरे की पूरा ऑक्यूपेशन का एक हिस्सा है। जब ये हमारे बच्चे शहीद होते हैं ऑक्यूपेशन के अंदर, हमारे नौजवान जब रिएक्शन करते हैं तो वो दिफा में होता है, यानी डिफेंस में होता है, यानी हम अगर तूफान अक्सा को शुरू किया या 4-5 जंगे जो हमने इसराइल का जो हमला है कि उसको दिफा किया, दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों हम ऑक्यूपेशन के अंदर जी रहे हैं और हमारा राइट बनता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हम अपने आप को डिफेंड करें। अब ये इनको मौत आया हुआ है कि जी क्योंकि ये अनप्रेसिडेंट की किलिंग है इसराइली सोल्जर के अंदर और इसराइली सेटलर्स के अंदर है, तो तभी वो कहना शुरू कर दिया ये हमास ने जिम्मेदारी लिया। वो कैसे हमास ने जिम्मेदारी लिया, हमास तो 75 साल से फलस्तीन हमास को चोर है, 75 साल से हम इंतजार में, हमारे कुछ दोस्त और अहबाब फलस्तीनी है वो जाकर 1991 में मद्रीद और ओस्लो को शुरू नहीं किया, मुजाकरात शुरू नहीं किया, नतीजा क्या है, वही शहादत है, वही 7,000 से ज्यादा आज तकरीबन पहुंचा हुआ 11,000 फिलिस्तीनी प्रिजनर्स हमारे पास है, उनमें से 4,000 वेस्ट बैंक से है इस 2 महीने में। अच्छा। उसमें क्या तूफान लक्सा है, उसमें 260 से ज्यादा शहीद जवान बच्चे हैं वो जो वेस्ट बैंक में शहीद हुए थे इसराइल को, इसराइली सेटलर्स के हाथों से, तो वो कौन सा तूफान लगसा उधर है और वो कौन सा हमास है उधर है। तो ये जो ये हम तो रसा कि अभी सोशल मीडिया में जाकर देखे, आवाम को जाकर देखे, वो सबका इस अंडरस्टैंडिंग है क्यों हमने ये तूफान अक्सर शुरू किया, चूंकि हम हमारा सब्र का हद हो गया, तहमल का हद हो गया, ये जो मुनाफ़िकत है आलमी बरादरी के अंदर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें हमारा हक को मुस्तरद नहीं किया है, तो हमने तभी तूफान आया आखिर में कि इतना जुल्म सितम के बाद तूफान को अब
जरूरी आपने एक्सपेक्ट कर लिया। सही। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है ना कि आलमी अदालत इंसाफ, जिस तरह की हलाकतें इसराइल कर रहा है, और लेकिन आप लोग मायूस भी हैं अक्वामे मुत्तहिदा से, लेकिन क्या आप इरादा रखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि जी हम तवक्को करें कि कोई वर्डिक्ट हो इसराइल के खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स का जो चीफ कमिश्नर है ना, वो इन्होंने के तकरीबन 250 पेजेस लिखा हुआ इसराइल के खिलाफ है, और आखिर में मजबूर होकर अपना इस्तीफा दे दिया। हमें पता है कि वो बेतरफ नहीं है, वो बायस्ड है। अक्वामे मुत्तहिदा और कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। आपको उम्मीद है कोर्ट ऑफ जस्टिस से इंटरनेशनल? कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो है ना, वो इट्स एन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो इसके एजेंसीज के ताल्लुक है। क्रिमिनल कोर्ट का जो है ना ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, मगर फिर भी कि वो हम ना उम्मीद, क्योंकि वो वही लोगों ने बनाया जो विनर्स ऑफ द वॉर। लेकिन आपको नहीं, नहीं आपने तो ये जिम्मेदारी के इंसानियत के नाते पे, तारीख के नाते पे, एकेडमिक और साइंटिफिक के अप्रोच से है कि आपने ये जिम्मेदारी इनके सर से या इनके कंधों से नहीं हटाना। आपने केसेस फाइल करने हैं। इसके अलावा हमने ये काम किया है, लोकल अदालतों में फाइल्स का फाइल किया है केस का, जैसा साउथ अफ्रीका में, स्पेन में, लंदन में, कुछ ऐसे ममालिक हैं ना जिनके ताल्लुकात इसराइल के साथ भी है, कि इन्होंने लोकल लोकल कोर्ट्स में ना केस अगेंस्ट वॉर क्राइम क्रिमिनल्स को फाइल किया है, और हमारा के जो फिलिस्तीनी खानदान ने वकला फिलिस्तीनियों ने फाइल किया, फिलिस्तीनियों ने कि कुछ वकला का वहां के लोकल लोग है, साउथ अफ्रीकन हो, स्पेनिश हो, लैटिन अमेरिका में, लंदन का है, कि उनको केसेस दे दिया है कि हमारा, उसका नतीजा भी हुआ। मुझे याद है 2014 में यहूद ऑलमर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल था, और वो इसका जंग की बात था, क्योंकि वहीं के जो उन जंगों में से जो फिलिस्तीन के खिलाफ किया, इसका एक सफर है लंदन हीथरो में पहुंचे हुए, MI6 वालों ने आकर इनको रिसीव करके कहने लगे, भाई दो जवान है, एक पाकिस्तानी और एक ईरानी थे, और इन्होंने कि वहां का लोकल कोर्ट में इस अहूद ओलमर्ट के खिलाफ के कोई केस किया है, FIR दर्ज कर दिया है, तो वो क्रिमिनल के तौर पे। सर अभी तक वर्दिक नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लंदन के अंदर आएंगे तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे, तो इसलिए हम माजरत खा है आप जाए। तो आपने क्या फायदा हासिल किया? ये आपने डिप्लोमैट्स को आइसोलेट कर दिया, यानी आजादी से कि अभी इजरायली डिप्लोमैट दुनिया में घूम फिर नहीं सकेंगे, वो भी आपके वजह से कि आपने ये काम कर दिया है, अवाम ने इनका पब्लिक ओपिनियन क्लिक किया है, इसलिए कि आपने कोई काम को अंडर एस्टिमेट ना करना है। दुआ से लेकर कलम से लेकर आपका रॉकेट आज है, वो आपका कलम है, आपका फिक्रा है, आपका आइडिया है, जो आप बिल्कुल है यही रॉकेट से कम के नहीं है, बल्कि उससे बढ़ के, यानी जब आपका ये ट्विटर को बंद करते हैं या आपका इंस्टाग्राम को बंद करते, क्यों? क्योंकि आपने जो बात की है उसको छुपती है। वेलकम बैक नाजरीन, तमाम आपसे कोई नौजवान नस्ल है वो भी सुनना चाह रही सुन रही होगी कि असल फॉल्ट कहां से शुरू हुआ, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने तो इसराइलियों को पनाह दी, तो ये वो उस वक्त की गलती थी सबसे बड़ी जो आप लोगों ने की? हमने पनाह कैसे दिए थे यार, वो उस वक्त के ब्रिटिश मैंडेट थे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, कायद आजम के बरतानिया ने अरबों का ये करम नवाजी का एक्सप्लोइट किया के, और वहाँ यहूदियों को आबाद करना शुरू कर दिया बरतानिया ने, यानी बरतानिया जब आए थे 1970 में। आप पनाह ना देते तो फिर ये सूरत हाल ना होती, वो हम कैसे बना देंगे, हम कई मुमेंट के अंदर थे, ब्रिटिश मैंडेट के अंदर है। अच्छा। ब्रिटिश मैंडेट ने खिलाफत उस्मानी के खिलाफ काम करके और तोर के, और वहाँ का इन्होंने मैंडेट लिया है, जिस तरह इंडिया में वाइसरॉय का इंडियन ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने वहाँ हुक्म चलाया है साम्राज्यों का बड़े सगीर में, को इसी तरीके से कि बरतानिया आया हुआ 1917 में प्रॉमिस बिल फॉर प्रॉमिस दिया था यहूदियों का है, और वो वहाँ के वहाँ से क्या हमारा जदोजहद शुरू हो गया। उस वक्त सिर्फ यहूदी थे, 3% फिलिस्तीनी है, फिलिस्तीनी है,
यहूदी है, अच्छा उस वक्त वो फलस्तीनी थे, फलस्तीनी थे 3%। 1917 से लेकर उसका सिर्फ रीजन चेंज था कि वो मजहब चेंज है, लेकिन वो फलस्तीनी फलस्तीनी है, जैसे क्रिश्चियन पाकिस्तानी है, यहूदी पाकिस्तानी है, मुसलमान पाकिस्तानी है, इसी तरीके से फलस्तीनी थे, ठीक है ना। तो वो फलस्तीनी यहूदी है, अगरचे कम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3% है। अच्छा, तो ये 1943 की बात, 1918 के बारे में बात करें। 1948 में ब्रिटानिया का असल नक्श है, असल रोल है कि इस परसेंटेज को 33% बना दिया। 33% जी, अच्छा जी, फैसिलिटेट किया इमिग्रेशन का, जो रॉयल लैंड्स को तो इसका हवाला कर दिया है कि गसब से, कि हमारा हमारा कागजात अभी तक भी मौजूद है। ये साजिश आपके साथ 48 ब्रिटानिया ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया द मदर ऑफ ऑल सिंस, तो भी एहतजाज कर रहा है, उनके लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों को पता है कि ये गलती उनकी हुकूमत की, पता है 100% पता, और बता भी दिया था, लेकिन वो ब्रिटानिया अभी तक अपने जुर्म को कबूल नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जुर्म है कि ये किया, इससे ज्यादा जुर्म क्या है। 1947 जब ये ब्रिटानिया अपने मैंडेट को खत्म करके जाना चाह रहे थे फिलिस्तीन से, फिलिस्तीन का जो एक मुल्क है जिसके नाम रजिस्टर है ऑफिशियली है लीग ऑफ नेशन के अंदर है, कि इन्होंने ये कहा कि जी हमने डिवीजन करना है फिलिस्तीन को दो रियासतों के अंदर है, 181 की करारदाद जो मंजूर करवा दिया है, तो उसमें से इन्होंने 55% फिलिस्तीन के सरजमीन से इन्होंने 33% आवाम से देना है जो यहूदी है, और वो जो 70% है या 67% है इनको 45% देना था। अगर चूंकि वो इसराइल उसमें भी राजी नहीं होते, नहीं हुए थे, वो जाकर अभी इसराइल 80% के ऊपर है। सही सही। अच्छा सर, मुझे ये थोड़ा सा बताइए, एक वीडियो चली थी जिसमें वीडियो में देखा गया कि एक अरब फलस्तीनी खातून थी, वो कह रही थी ये मेरे बच्चे की जो जूती है ये अहम है उस अरब लीडरान से, क्योंकि वो कुछ नहीं करते। तो इस तरह के जो पैगाम आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अरब ममालिक जो हैं उनका कुछ ना कुछ झुकाव या कुछ ना कुछ करने की आवाम के जज्बा का कोई इसका ऊपर ओवरबेद नहीं कर सकता है, और ये आवाम के असली शऊर है, इतना कुर्बानी देने के बाद और मायूसी है कि जी उनकी तरफ से कि कोई पानी पहुंचाने की हैसियत भी नहीं रखा हुआ वाकई, कि हम तो उम्मीद नहीं रखते हैं, हम तो इंतजार नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ इनको याद दिलाते हैं आपके फर्ज पे। इंसानियत से क्या उम्मीद है? पाकिस्तान के तो बड़ा उम्मीद है, पहले भी था, ये ऑल मुस्लिम कोई प्लान है क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी तवज्जो से सुनने आवाम सुनना चाहती है कि भाई हमारे पास ये प्लान है, आप हमारे लिए, जैसे हमास के एक तर्जुमान जो वहां पे थे आनिया साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आरबीसी में एक स्टेटमेंट दे दे। नहीं, वो तो आनिया साहब ने कन्वेंशन सेंटर में, चेयरमैन ऑफ हमास जो है ना, वो कन्वेंशन सेंटर में इनके खिताब थे ऑनलाइन, कि वो कहा था कि जी पाकिस्तान धमकी दे इसराइल को तो ये जंग रोकना, तो आप समझते धमकी दे देगी तो उससे फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं, पाकिस्तान कोई छोटा तो मुतालबा करेंगे कि अभी धमकी दे, तो हम यही मुतालबा कर रहे हैं, पाकिस्तान आज तक हमारा साथ दिया है और देते रहेंगे ऑफिशियल लेवल पर और आवाम के सतह पर, कभी हमने कोई कमी महसूस नहीं की। आवाम से क्या चाहते हैं और हुकूमत से क्या चाहते हैं? आवाम का मैंने यही अर्ज किया था आपसे कि जी उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आज जो मैकडोनल्ड में और स्टारबक्स में आपने देखा वीरानी है, वो किसी फतवा के तहत से नहीं है, वो उनका शऊर है और इनका एहसास है इस आवाम को कि जो उधर कुछ हो रहा है हमें उनके अंदर एक हिस्सा लेना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम उनके कुछ शुक्र गुजार हैं और आगे करते रहे, चूंकि आपका मैदान में आना है, सड़कों में रहना, बहुत तब्दीलियां आई हुई हैं, नैरेटिव में तब्दीलियां आई हुई हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अब इसराइल को कोई नहीं बर्दाश्त कर रहा, वो भी आप लोगों की वजह से, और अभी इंटरनेशनल सतह पर ये लंदन में बैठने वाले लोग हैं वो हमास का नारा ले रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है। बतौर फलस्तीनी शहरी आप हमारे किरदार से मुतमईन हैं? मुतमईन है कि आवाम के सतह पर है और उसे जारी रखें और अल्लाह आपको सलामत रखें, आप लोग हमारा साथ है, फलस्तीनी आवाम जब आपके बातें और आपके चीजें देखते हैं वो समझते हैं कि हम अकेले नहीं है, तो ये इसका हौसला में और इसके जिद्दोजहद में और मजीद यानी शोला शोला आ जाते हैं। ऑफिशियल स्टैंड हम ये मुतालबा करते हैं कम अज कम कि जी यो जो डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान आखिर में, कि इनके मल्टीपल आइडेंटिटी है, अक्वाम मुत्तहिदा का मेंबर है, ओआईसी के अंदर है, रीजनल कमिटीज के अंदर है, वहाँ के इन्होंने पहुँचा दिया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है कि वो हम इनके लिए भी शुक्रिया का अदा कर रहे हैं कि उधर रफा गेट में तैयारा पहुँचाया, शिप्स कराची से पहुँचाया, ये बहुत बड़ा अहमियत रखते हैं। आज तक हमने यही उम्मीद किया और हम यही उम्मीद करते रहेंगे, कभी भी इसराइल
पाकिस्तान की तरफ से कोई खैरियत नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी इन्होंने हमारा साथ देना है, धमकी दिया है, पॉलिटिकल सिचुएशन दिया, डिप्लोमेटिक सिचुएशन किया, कुछ भी दिया है, वो हमारा ऊपर है कि हम उनके शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी को। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद अल कदूमी मौजूद है, तफसीली तौर पर फलस्तीन की सूरत हाल बाबत गालबोल की। इजाजत, अल्लाह हाफिज।